जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग 12th एग्रीकल्चर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो 12th एग्रीकल्चर है दोस्तों, इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं सबके बारे में एक एक पॉइंट बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब उसका पेपर जो होता है कितने कितने नंबर का होता है, कितने नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, कितने नंबर के पेपर होते हैं, और एग्ज़ाम में कौन कौन से नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। और देखिए, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आप अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना कि आपके जो हैं बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो जो है हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा है दोस्तों कक्षा 12th में जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है सस्य विज्ञान भाग दो, ठीक है। अब आप लोगों ने 11th में जो है सस्य विज्ञान भाग दो की जगह सस्य विज्ञान भाग एक पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो सस्य विज्ञान भाग दो है इसमें दोस्तों आपको जो बागवानी फसलें हैं जैसे आम, अमरूद, पपीता, सेब, इन सब के बारे में, ज़्यादातर फल वाली सब्जी जो है, फल वाले फसलें हैं उनके बारे में पढ़ना, जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है, ठीक है। और जो हमारा है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सस्य विज्ञान का जो एग्ज़ाम होता है ये 50 नंबर का होता है, ठीक है। सस्य विज्ञान का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। और जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर के, वो 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन से सिर्फ 18 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं पूरा डिटेली बताऊँगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है दोस्तों वो है पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, यानी कि जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है दोस्तों, ये है दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। और इसका जो है दोस्तों, इसका भी सेम प्रोसेस है, इसका भी जो है 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। और 50 नंबर का दोस्तों जो है क्या होता है, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, ठीक है। तो जो 25-25 नंबर का ये भी बटा होता है दोस्तों, यानी कि 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 25 नंबर का वाइवा होगा, ठीक है। तो यानी कि 100 नंबर का ये भी होता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों कृषि रसायन विज्ञान, यानी कि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ठीक है, कृषि रसायन विज्ञान। अब ये जो हमारा है दोस्तों ये भी 50 नंबर आपको लिखित मिलेगा और 50 नंबर आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा 100 नंबर का हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों कृषि जंतु विज्ञान, ठीक है। तो कृषि जंतु विज्ञान जो है ये भी दोस्तों आपका कितना नंबर का रहता है, 50+50 में बटा होता है, ठीक है। यानी कि 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 50 नंबर आपको विद्यालय से मिलते हैं, जिसमें से आपको अगर यदि आप अच्छे से वाइवा में बताते हैं तो आपको 50 में 48-47 इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। और आपने एकदम अच्छे से बताया है तो आपको 50 में 50 भी दे देंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों कृषि अर्थशास्त्र, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब देखिए, जो इसमें दोस्तों है इसका केवल है दोस्तों 50 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग का प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल इसमें हम लोग का नहीं होता, ठीक है। केवल होता है पेपर एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 50 नंबर का, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों वो है सामान्य हिंदी, ठीक है। इसमें नहीं दिया है लेकिन हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, 12th में। तो जो है सामान्य हिंदी, ठीक है। अब सामान्य हिंदी जो है दोस्तों ये आपका जो है, वैसे तो अदर सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं, अदर स्टूडेंट होते हैं, उनके क्या होते हैं दोस्तों, ये 70 नंबर के होते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनमें जो हिंदी है वो पूरा 100 नंबर का होता है, ठीक है। अब आपको इसमें पूरे 100 नंबर करने पड़ते हैं, ठीक है, तभी आप इसमें अच्छा नंबर ला पाएंगे। और जो अदर स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनमें 70 नंबर का ही होता है, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, कि आपके जो हैं सबसे अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक स्ट्रेटजी अपनाए थे जब हम लोग थे 12th में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसमें सबसे पहले है कृषि रसायन विज्ञान, ठीक है, सबसे कठिन जो सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़ना, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कृषि रसायन विज्ञान। आपको एक टाइम टेबल बना लेना है, आपको सुबह जब भी उठना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कृषि रसायन विज्ञान पढ़ना, क्योंकि जो सुबह के समय होता है हमारा माइंड एकदम से फ्रेश होता है और हमें नींद उद नहीं आती, तो ठीक है, तो उस समय हमारा जो माइंड है वो एकदम से एक्टिव रहता है। तो हमें कृषि रसायन विज्ञान पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा टफ है अदर सब्जेक्ट से, ठीक है। तो हमें स्ट्रेटजी बनाकर चलना है, इसलिए सबसे पहले हमको कृषि रसायन विज्ञान पढ़ना है। अब इसको हम लोग देते हैं पहले नंबर पर, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले नंबर पर। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है दोस्तों वो है कृषि जंतु विज्ञान, ठीक है।
तो उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो कृषि जंतु विज्ञान, ये थोड़ा रसायन विज्ञान से आसान है लेकिन ये भी अदर सब्जेक्ट से जो है टफ है। तो ठीक है, तो इसको जो हम लोग है दूसरे नंबर पर रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सुबह उठ के केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद एक एक घंटा दोस्तों सभी पे देना है समय, और उसके बाद जो है कृषि जंतु विज्ञान पढ़ना। ठीक है, अब कृषि जंतु विज्ञान के बाद दोस्तों जो आ जाता है हमारा सब्जेक्ट वह है सस्य विज्ञान भाग दो। ठीक है, उसके बाद आपको किस पे टाइम देना है, सस्य विज्ञान भाग दो पे। ठीक है, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये भी थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको जो है तीसरे नंबर पर रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तीसरे नंबर पर रखेंगे। अब दोस्तों जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है वह है पशुपालन। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट हम लोग का कौन सा है, पशुपालन, क्योंकि पशुपालन भी थोड़ा आसान है लेकिन हाँ यदि आप नहीं पढ़ते तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन यदि आप पढ़ते हैं डेली रेगुलर बेसिस पे तो आपको ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट लगेगा, कुछ खास टफ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको चौथे नंबर पर रखेंगे। ठीक है, ये हमारा दोस्तों रसायन विज्ञान पहले नंबर पर हो गया, और जंतु विज्ञान जो है दूसरे नंबर पर हो गया, सस्य विज्ञान तीसरे नंबर पर हो गया, और ये जो है हमारा चौथे नंबर पर हो गया। अब आता है हमारा पाँचवें नंबर पे जिसको हमको पढ़ना है वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक साल पढ़ना रहता है, यदि आप अर्थशास्त्र में आधा आधा घंटा भी देंगे तो भी आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। हम लोगों ने अर्थशास्त्र को दोस्तों लगभग जो लास्ट का मंथ था पेपर में और छमाही में बस वही पढ़ा था, वरना हम लोग अर्थशास्त्र जो है पढ़ते ही नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर आए थे। तो आप डेली आधा आधा घंटा टाइम देंगे, 20 मिनट भी देंगे, 30 मिनट भी देंगे, तो आपके जो है अर्थशास्त्र में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और दोस्तों आपको जो लास्ट में है वो आपको जो हमारा छठा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा जनरल हिंदी। ठीक है, लास्ट में जो आपको क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है अच्छे नंबर इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मेन प्रायोरिटी केमिस्ट्री को देना, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा टफ होता है। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा है, और आप रोज़ भूल जाएंगे। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।